अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो जी आज यहाँ पे हमारा पहला दिन है और कराची में, और सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने सारे किचन साफ किया और उसके बाद जी अलमारी जो है मेरी कबर्ड वो हो चुकी है बारिश से पूरी तबाह हुई। बात जैसे कि सेम उठा जाती है दीवार तो वो सेम हो गई, और सेम से जो अलमारी है उसको वो जाला लग गया, और क्या कहते हैं कीमत होती क्या होता है कुछ भी, तो वो पूरा जो है ना वो अंदर तक उसकी सेम आ चुकी है। और सारे मैंने यहाँ पे कपड़े रखे हैं, ये देखें अभी ये टैचू के कपड़े नहीं हैं जो हम लोग लेके गए थे, वो नहीं हैं, ये अलमारियों के अंदर के कपड़े हैं। पंखा चल रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही थी, मैं काफ़ी तेज बोल रही हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे की रूटीन भी शेयर करती हूँ, और मैं सारी कपड़े सेट करती हूँ, वो आपको भी दिखाती हूँ कि हुआ क्या। अभी अम्मी ने सारी साफ़ तो कर दी है, हाँ मैं अंदर किचन का काम कर रही थी तो हमने यही सारा कर दिया है, तो वरना मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले अभी मैं दीवार दिखाती हूँ, हमारी अंदर से तो साफ़ कर दी, उसकी जो वो होती है क्या कहते हैं पीछे से जो प्लाई लगी रहती है वो सारी सूज गई है, जैसे कि पानी लगता है ना, तो वो सारी ख़राब हो चुकी है, वो नई लगवानी पड़ेगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ी सी अलमारी अभी आगे करवाई है हमने, और इस तरह से पूरी जो दीवार है ना ये देखें, ये ऊपर तक लाइट तक। और जब घर में ना आना तो घर का ये हाल होता है, और पता है ये बात ये भी हो सकती है क्योंकि हम लोग थे नहीं और पंखा चला नहीं कमरे का, और ये आगे तक, और यहाँ से भी है ये सारा ख़राब। वो यहाँ पे मैं पर्दा लगा के चली गई थी कि चलो यहाँ पे पानी ना आए, और यहाँ पे अभी मैंने ये सारी लगी, मैंने यहाँ से मैंने पर्दा खोल लिया, पंखा कल से चल रहा है ताकि कुछ वेंटिलेशन हो। और बाकी ये सारे कपड़े जो हैं राफिया के सबके जो है ना अलमारियों में थे ज़ाहिर है, तो अभी तो मैंने टैची खोले भी नहीं हैं, ये मैं कहाँ संभालते फिरूँगी। पहले मैंने आके जब कबर्ड खोली, ओहो तो ये जो है ना ये आपको ये देखें नज़र आ रही है ना आपको, और ये इस तरह से फुल जाले की भरी हुई थी। अम्मी ने मुझे बताया नहीं ना, और वरना मैं आपको दिखाती, मैंने यहाँ तक ये देखें ये सारी साफ़ कर दी, ये वाली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूरी फुल जाला था और यहाँ पे भी जाला था, ये सारा यहाँ से कपड़े निकाल दिए, अभी ये पड़े हुए यहाँ पे, पता नहीं अब ये दो ज़्यादा ख़राब हुए। अम्मी ने देखे कपड़ा मारा हुआ है, मैं हटा के देखती हूँ और भी शायद हों, नहीं अम्मी ने कपड़ा मार दिया है, और बैक से इसका बहुत बुरा हाल होगा। मैंने थोड़ी सी आगे तो करवाई है मामा, तो देखते हैं, अभी अली गए हुए थे बाइक ठीक करवाने, इसका कुछ हाल बेहतर है। ये अली की और मेरी है कबर्ड, और वो बेडशीट वगैरह रखी में, इसका कुछ हाल बेहतर है लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। और ये महीना ऐसा है ना, पता नहीं कौन सा महीना कहते हैं इसको, और ये देखें ये जैसा हाल इसका है दीवार का, इसी तरीके से ये पूरी जो कबर्ड है ये इसी तरह से ग्रीन और पूरा जाला हो गया था। चलें अली गए हुए थे बाइक ठीक करवाने तो वो आ चुके हैं, और मैं उनसे थोड़ा सा और कबर्ड आगे करवाती हूँ और पूरी दीवार भी क्लीन करते हैं, और पहले इसका बैग ठीक करते हैं फिर ही मैं कोई कपड़े वगैरह सेटिंग से रखूँगी। और मेरे काका की ज़िद भी ठीक हो गई है और रो भी नहीं रहा सुबह से, है ना, नहीं रोए थे ना, वहीं तंग कर रहा था, रोया भी नहीं है। चलें अभी मैं अली को बुलाती हूँ और कुछ सेटिंग करते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने आगे करवा दी अली से, और हालात देखे है ना अली, और ये है कबर्ड, वाह 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 वाह, इतनी खूबसूरत कबर्ड हो गई हमारी, ये पूरी चेंज हो गई है ना अली। अभी इसको किससे साफ करें, कपड़े से करके देखें, झाड़ू मारो ना करे, झाड़ू मार के फिर कपड़ा मार। अच्छा दीवार पे भी झाड़ू मारो, कौन सा वाला, तुमको वाला हां, रफी झाड़ू लेके आओ, एक मिनट पहले पापा
हो गई है ना खराब? ये तो पूरी हो गई। हाँ ना, जाओ अब झाड़ू लेके आओ, दूसरी वाली को भी आगे करवाती हूँ। आप क्या कहेंगे मेरी अलमारी के बारे में? जी आपकी अलमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी ये। क्या मतलब क्वालिटी की? आप मजाक कर रहा हूँ, बस हो गया, खैर है अभी पीछे पलाई चेंज करवा दूंगा और क्या। ठीक है, तो इनको आप जानते हैं कौन है, ये आ गए हैं डाकू और ये अभी कबर्ड साफ करेंगे। बहुत बुरा हाल हो गया, ये लें, इनको डस्ट एलर्जी है और ये काफ़ी मिट्टी सी उड़ रही है ना, तो उस वजह से मुझे भी ना हो जाए ये गत्ता, मुझे लगता है गीले से ये सारा ख़राब हो गया प्लाई। सारा भर रहा है इसके अंदर ही। सूखने तो मैं तो कह रहा हूँ। सूखने दो, छोड़ दो, झाड़ू से करते हैं ना। मैं बोला मारो अम्मी ने। अब देखो, दिखाओ। बस दीवार पे मारे। अब दूसरी वाली कैसे खींचेंगे? जैसे ये खींची है, इसको इसको साइड पे लगा देंगे, थोड़ा सा गैप रख के, सूख जाएगी खुद ही। बस दीवार भी साफ नहीं होगी। वो ठीक हो जाए ना, सही हो गया। वो तीसरी खराब सही हो गई है ना, तीसरी सही है। ये भी सही है, ये वाली कुछ बेहतर है। तो काफ़ी डस्ट उड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे बेडशीट डाल दी थी ताकि जो है खराब ना भी, अंदर से एक दफ़ा और साफ़ कपड़ा मारना है, ऊपर से कुछ इस तरह से अभी हो गया, थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है। अब पंखा लगा रहेगा तो वहाँ से जाले रह गए हैं और अभी इसके ऊपर से भी मैंने साफ़ करना है। चलें, होता रहता है ये, कोई मसला नहीं है। चलें ये मैं साफ़ करती हूँ, ये मैं हटा दूँ ताकि कपड़ों को थोड़ा हवा लग जाए, नमी ना हो। ये यहाँ से देखे ना, सोच गए हैं। हम नीचे का क्या सूरत हाल है ये देखें जी, ये तो दराज भी खराब हो गया है। हाय हाय, क्या करें हम, क्या करें। ये मेरे ज्वेलरी बॉक्स और ये देखें, इसमें मेरे ज्वेलरी बॉक्स है। इसको भी लग गया, ये तो बड़ी मेहनत वाला काम हो गया है। तो बाय, दराज निकालना पड़ेगा मुझे। और ये जो है ये मेरे पापा की निशानी है, ये मुझे मम्मा ने दी है मेरे, और इसमें मेरे अब्बू के जो हैं तिजोरी कहते हैं, और ये इसमें लॉक भी लगता है, चाबी भी है इसकी, और इसमें मेरे अब्बू अपने पैसे वगैरह हर चीज़ रखते थे। और ये मैंने सारी उम्र जो है अपने अब्बू की निशानी संभाल के रखनी है।
खोल के दिखाऊँ आपको। अभी मेरा इरादा है कि मैं शाम तक जो हूँ इस तरह से मैं दोबारा से भी इसको मैंने कपड़ा मारा है फिर लग जाता है। अभी मैंने दोबारा इसको एक दफ़ा और साफ कपड़ा मार दिया है और ये देखें ये क्लीन कर दिया सारा। और मेरा इरादा है कि शाम तक मैं इसी तरह यहाँ पे बेड पे कपड़े रखूँ और कपड़ों को भी हवा लग जाए और कबर्ड भी अच्छी तरह सूख जाए फिर मैं इसमें कोई चीज़ें रखूँगी वरना तो नहीं। चलें अभी मैं दराज को बाहर लेके जाती हूँ, दराज साफ़ करती हूँ और जो है इसको भी क्लीन करती हूँ, फिर कुछ खाना वाना खाती हूँ, मम्मी खाना बना रही हूँ, फिर आपसे दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा तो खाना वगैरह खा कर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़कर अली के साथ मार्केट, और बैग वगैरह लाना था, इनकी स्टेशनरी लानी थी और बैग तो मैं सिर्फ राफिया का लेकर आई हूँ और यान का बिल्कुल सही है बैग, और राफिया का 5 महीने तकरीबन स्कूल गए होंगे बच्चे, पूरा साल भी नहीं गए तो ख़राब हो गया था, हालांकि अच्छा वाला था लेकिन बस ख़राब हो गया, तो बैग इसका लेकर आए, कुछ स्टेशनरी वगैरह लेकर आनी थी बच्चों के लिए, तो वो इनकी सारी तैयारी मैंने कहा कर लूँ क्योंकि आज भी इनको छुट्टी करनी पड़ गई थी, अब कल तो छुट्टी ना हो। तो बस छुट्टियाँ ख़त्म, बच्चों की दोबारा से वही रूटीन आ जाएगी और इनका बैग भी मैंने सेट कर दिया है अभी से। दिखाओ दिखाओ है कितना बड़ा, इसको छोटा करना। अच्छा तो व्यूअर्स मैं चली गई थी मार्केट और अलमारियाँ मैंने वहाँ से आके शाम को ठीक की हैं और इस तरह से यह सान का और ये जो है राफिया का, और ये राफिया का है, ये रान के कपड़ा सेट कर लिए मैंने और ये सारा, ये मेरे बॉक्सेस वगैरह हो गए, अभी अल्लाह मालिक है देखेंगे। और थोड़ा सा मैंने अलमारी में जो है गैप रखा है ताकि अभी भी हवा इसको लगती रहे, और यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा गैप रखा है ये देखें। तो बस शनि आ जाओ चौनी, मेरा बेटा भी माशाल्लाह ठीक है, जिद भी कम कर रहे हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। मेरा बेटा कितना काला हो क्या है वहाँ से मम्मा की तरह। तो बच्चों के शूज़ भी मैंने जो है पॉलिश कर दिए हैं ये देखें, यूनिफॉर्म ही मैंने प्रेस कर दिए हैं, मैं साथ साथ इनकी तैयारी भी कर ली और कबर्ड भी सेट कर ली और ये भी सारा सेट कर दिया मैंने। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।